हेलो भाई, सुशांत सिंह राजपूत केस में पिछले 8 महीने हो गए लेकिन आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई भी अपनी तरफ से छानबीन कर रही है लेकिन आज तक कोई ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया जिससे कंफर्म हो सके कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है वो सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। जबकि ये सारे के सारे एविडेंस अगर आप देखेंगे तो वो पब्लिक के सामने घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। सारे के सारे एविडेंस यही इशारा करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ जो है वो एक मर्डर है। उसके बावजूद भी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब जो है सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस है उनसे रुका नहीं जा रहा है। अब वो जो है उन्हीं बातों को फिर से पब्लिक के सामने ला रहे हैं जो कि उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुआ था, और वो डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ी अपडेट दे या सुशांत सिंह राजपूत केस में चार्जशीट अपना फाइल करे। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, साथ में ही बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एविडेंस जो है पब्लिक के सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई अगर आप देखेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत के जो कातिल हैं जिनको जो एक मेन कल्प्रिट ग्रुप में देखे जाते हैं वो खुद ही ये सारे एविडेंस पब्लिक के सामने कर गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गई जैसा कि आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा जूस वाला कि सुशांत सिंह राजपूत ने 13 जून की रात में खाना नहीं खाया था लेकिन उन्होंने जूस पिया था। ये नीरज ने स्टेटमेंट दिया था, केशव ने स्टेटमेंट दिया था, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ऑफिशियल न्यूज़ चैनलों पर भी ये न्यूज़ लिखी गई है कि बोला गया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने रात को मैंगो जूस पिया था और सो गए थे। और फिर वही बात की जाए, सुबह मॉर्निंग में उन्होंने ठंडा पानी मंगाया, पानी पिया, उसके बाद फिर ये नीरज ने बोला था कि नारियल पानी और साथ में ही ठंडा पानी और साथ में ही उनके लिए जूस लेकर वो खुद गया था जिसको सुशांत सिंह राजपूत ने लिया पिया था, लेकिन उन्होंने केला नहीं खाया जो कि नीरज वहाँ पे लेकर गया था। और उसके बाद गई अगर आपको याद होगा तो जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें सीधा सीधा ये कन्फर्म था कि सुशांत सिंह राजपूत ने कुछ खाया ही नहीं था, मतलब सुशांत सिंह राजपूत का पेट एकदम खाली था। तो गई आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के पेट से ये सारे के सारे चीज़ कहाँ पर उस दिन गायब हो गए जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ? आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनका पेट खाली क्यों आया? इतना बड़ा एविडेंस जो है इनके, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के, सुशांत सिंह राजपूत के साथ में रह रहे थे, उन्होंने ही एविडेंस जो है पब्लिक के सामने दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही? आखिरकार क्यों सीबीआई इन सब के ऊपर कार्रवाई नहीं? जैसा गाइस आप सबको पता है कि सीबीआई जो है वो पीएमओ के अंडर में वर्क करती है, तो आखिरकार जब पीएमओ ने सीबीआई को भेजा है जांच करने के लिए तो आखिरकार वो चार्जशीट फाइल करने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिरकार वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी तक कितना छानबीन हुई है वो पब्लिक के सामने करो या जो है उसको चार्जशीट आखिरकार वो क्यों नहीं मांग रहे हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के कातिल हैं उन्होंने खुद ही अपना जाल जो है, अपना खुद ही जो जिस जाल को बिछाया था उन्होंने उसी में वो फंसे हुए हैं और पूरा का पूरा एविडेंस उन्होंने पब्लिक के सामने कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार क्यों सीबीआई उसमें कार्रवाई नहीं कर रही है? तो गाइस आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।